बड़े बड़े बातें करे थे, 26 इंच का छीना सीना फुला 56 इंच। ऐ चाय वाले, छप्पन इंच का सीना रखने से कुछ नहीं होता, 4 इंच का दिल रख ले तो वो मर्द कहलाता है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। उनको मार रहे हैं तो आपको गोली मार दे ना। अरे तुम वजीर आजम हो, मेरे को गोली मार दो। अच्छा बाबा मार रहे हैं तो गोली आपको मार दो बोले, अब गोबर खिला रहे हैं तो उसको किसको खिलाना, हाँ किसको किसको भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मुसलमान 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 8-8 बच्चे पैदा करो तुम भी। मुसलमान के 4-4 बीवियां तुम भी करो, किसने रोका? अब वो अलग बात है, तुमको एक को नहीं संभाल रहे, हम 4 को संभाल सकते हैं। अरे हिंदुस्तान की पहचान हिंदुइज्म नहीं है, मुस्लिमिज्म नहीं है, सिखिज्म नहीं है, पारसीइज्म नहीं है, क्रिश्चियनिज्म नहीं है। हिंदुस्तान की पहचान हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म है। मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा अदाकार, सबसे बड़ा हातिल अगर कोई है तो वह नरेंद्र मोदी। सवाल उनसे है जिन्होंने कहा कि बड़ा अवतार है, मसीहा है, फुला है, बदलाव आया, चेंज आया, अच्छे दिन, वाह क्या दिन आ गए लाइनों में खड़े हो लोग, क्या अच्छे दिन, क्या इस अच्छे दिन के वास्ते वोट दिए थे देने वाले? मिस्टर मोदी 15 लाख का जो सूट पहने थे ना, ओबामा आए वक्त मोदी 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 लिखा हुआ था, वो काले धन का था या सफेद धन का था? अरे मुसलमान में राम का खून नहीं है, मुसलमान में आदम अलैह सलाम का खून है, अल्लाह इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह का कलमा गूंजता है। अरे हिंदुस्तान को लव जिहाद, घर वापसी, गौ रक्षक की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को 2 वक्त की रोटी की जरूरत है। तो वजीर आजम क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहा है छिचौरा? आप बताइए कैसा आदमी है, बताइए दिख रहा है वजीर आजम क्या वैसा? जहां गया गले मिल रहा मिल, सिर्फ एक काम अच्छा करा, ओबामा आए वक्त दिल्ली की सर्दी में चाय डाल के पिला रहा था। कितनी तकलीफ होती है मुखातिब करते करते, मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन फिर भी हूं जिंदा। जिस किडनी पे गोली लगी थी, चाकू लगी, डॉक्टर्स बोले निकाल देना पूरी फट गई, एक डॉक्टर बोला नहीं रहने दो बाद में देखेंगे। आज वो गुर्दा वो किडनी पहले से ज्यादा अच्छी चल रही, ये हाथ जो कहते थे लोग उठ नहीं सकता, अरे ये हाथ इतना मजबूत हो गया कि मुसलमानों की अजमत के लिए इख्तदार के गिरबान को पकड़ के खेलने के ताकत रखता है ये हाथ। अरे ये सब कुछ मुमकिन हुआ तो क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हम अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। मैंने त्याग दिया, किसको त्यागा भाई? बड़ा महल था तेरा, रोल्स रॉयस की गाड़ी थी, बच्चे थे, बीवी थी, कौड़ा रुपये था, क्या था, क्या त्याग दिए? एक बूढ़ी मां है छोड़कर आ गए,
अपनी निचली दर्जे की सियासत के लिए जईफ मां को भी खतार में खड़ा दिया बताने के लिए, देखो मेरी मां खड़ी है। अफसोस, अगर उस मोदी की जगह मैं होता तो अपनी मां के लिए मैं खतार में खड़े होता और मां को अपना पैसा देता। मैयत को ले जाने को रास्ता नहीं है, कोई बात नहीं, एक वक्त मर रहे हैं, रोज मरते हैं क्या? गंदगी है, ठीक है, रहने दो। अरे आपके इस सोच की वजह से आज ये आपके सर पर बैठकर नाच रहे हैं। अरे मजलिस आई है तो देखो, 8 दिन में हम उनके सर पे बैठ रहे हैं और वो कैसा नाच रही है, ऐसा नाच रही है जैसा नाच मेरी बुलबुल को जब पैसा मिलेगा। पाकिस्तान चले जाओ, बीफ खाए वो खाए, हाँ मैं खाता हूँ बीफ, क्या करते बताओ? मैं खाता हूँ, खाता रहूंगा, पहले भी कहा फिर कह रहा हूं, मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जब तक ये जबड़े के अंदर गोश नहीं रहा, निवाला हल्लक से नीचे नहीं जा सकता। चलो मैं तुमको चैलेंज करता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंदिर में तुम आ जाना, मां भारत भगवत गीता को सर पे रख के उस मंदिर के भगवान के सर पर हाथ रख के खसम खा के बोलना कि जिंदगी में तुम काला धन नहीं कमाए, काला धन नहीं खरीदे। परसेंटेज के लोग हैं जिनमें मैं भी हूं, जो ये मानता है कि गुजरात के फिसादात का जिम्मेदार कोई और नहीं, वो नरेंद्र मोदी है। शोहर के सामने बीवी की इज्जत को लुटाया, बेटे के सामने मां की आबरू को लुटाया, अरे भाई के सामने बहन की इज्जतों को लुटाया, बच्चों को यतीम कर दिया, सुहागों को उजाड़ दिया। अरे इस दरिंदे के खिलाफ कांग्रेस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ये मेरा सवाल है। अरे मेरी आंख रोती है, अगर कांग्रेस 2004 में इख्तदार पर आने के बाद अगर इस शख्स को चार्जशीट करती, जेल में डालती, हथकड़ियां पिना देती, तो ये शैतान, ये जालिम हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं होता। ये आरएसएस नहीं, ये क्लब ऑफ बैचलर्स है, और ये लोग जो खुद तो शादी नहीं करेंगे, खुद जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाएंगे, खुद तकलीफ नहीं उठाएंगे, बीवी और बच्चों की पुकारों को, उनकी खिलखिलाहट को, उनके तनखीदों को और उनके गुस्सों को नहीं झेलेंगे, लेकिन दूसरों से कहेंगे कि आप चार चार पैदा क्या करेंगे, क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे ना, सूली पर लटका देंगे, मार देंगे, ठीक है हम मरने तैयार हैं, सूली पे लटकने तैयार हैं, जेल में जाने तैयार हैं, लेकिन इजहारे हक से मुंह मोड़ने तैयार नहीं है, नहीं है, नहीं है, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। और अगर साल, दो साल, पांच साल, 10 साल या जिंदगी भर जेल में रहते हुए मर भी जाना है तो अकबरुद्दीन ओवैसी को वो भी कबूल है, लेकिन तुम्हारे सामने हम झुकने को तैयार नहीं है। इलेक्शन में पूरा कैश में खर्चते हैं और फिर बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर नाउ द बीजेपी विल मेक द इलेक्शन कैंपेन पेमेंट ऑन पेटीएम। आई थिंक आई एम श्योर मिस्टर मोदी विल मेक अ पेमेंट इन यूपी इलेक्शन बाय पेटीएम और जियो बैंकिंग। ये तो ऐसी हो गया हथेली में जन्नत दिखाना, एक तरफ उनू है, एक तरफ इनू है, अब बीच में तो बीच वाला है, अब समझ गया। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं रिलायंस के दवाखाने में कि आज से सदियों सैकड़ों साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी, तो कैसा थी वो भी बता रहे हैं कि इंसान की गर्दन काट दी गई तो हाथी का सर लेकर आया गया और प्लास्टिक सर्जरी में उसको क्या क्या है बताइए, क्या है बताइए।
गुजरात में पढ़ाया जा रहा है कि वाहन गाड़ियां महाभारत के दौर में आ गई थी, टेलीफोन था उस जमाने में, नहीं मालूम ये भी कौन से किसके अवतार से नहीं मालूम। कन्वोकेशन था, डिग्री की तकसीम थी, वहां गए, मुखातिब थे, मुखातिब करते करते रोहित का जिक्र लाए, रोहित का जिक्र लाते ही क्या अदाकारी, क्या एक्टिंग थी, देखो जाके नेट पे भाई। कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रोहित बोल के रुक गए दो मिनट, फिर खामोश, फिर यूं ऐसा, फिर उसके बाद आप बताइए, हर उसमें एक्टिंग। लेकिन ए वजीर आजम हिंदुस्तान, मैं पूछना चाहता हूं, अखलाक के घर में घुसकर झूठे इल्जाम के तहत अखलाक को मार दिया, उसके बेटे को जख्मी कर दिया, उसके बूढ़ी मां को तमाचा मार के नीचे गिरा दिए, अखलाक मर गया, उसका भाई दवाखाने में जिंदगी और मौत की कश्मकश में था, उस वक्त वजीर आजम तुम्हारी जबान न जब खुली और अब तक भी नहीं खुली। मोहन भागवत कहता है कि मुसलमानों के रगों में राम का खून है। नरेंद्र मोदी, तुम्हारा और तुम्हारी हुकूमत का क्या मौकफ है? मोहन भागवत के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हो, मेरा यह सवाल है। हिंदुस्तान के हुक्मरानों, क्या तुमको शर्म नहीं आई? अगर जर्री भी शर्म है तो चूल्हे और चूल्हे भर पानी में डूब मरो। एक बाहर के मुल्क का सदर आकर हमको किस तरीके से मुल्क को चलाना चाहिए कहकर चला जाता है, शर्म की बात है। इख्तदार मिला तो हुकूमत करना भी नहीं आया, ये तो नॉन रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो गया, बस घूम रहा है। हमारे पास हैदराबाद में उर्दू में बोलते हैं, पता नहीं यहां भी बोलते या नहीं, कि नादिदे को मलिदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला। फिर ये भी बोलते हैं कि नए फकीर को भी की जल्दी, एक नए फकीर को मौका मिल गया दुनिया फिरने का देखने का तो उताना पड़ा है, बस फिर रहा है, कहीं जाके ड्रम बजा रहा है, दर 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 दर। मजलिस गांधी भवन को नहीं गई, दारुसलाम की चौकट की धूल चाटने पर मजबूर इंदिरा गांधी हुई थी। लिख लो मेरी बात को, खुदा की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये जितने भी गांधियां, उनके गुलाम जितने भी हैं, उनको दोबारा दारुसलाम की चौकट पे जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। नरेंद्र मोदी के लिए मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा वाराणसी में जलसे में? मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी वो शख्स है जो इंसानियत का खातिल है। मुलायम सिंह ने कहा वाराणसी में कि नरेंद्र मोदी वो शख्स है जिसके हाथ हिंदुस्तानियों के खून में डूबे हुए हैं, रंगे हुए हैं। और वही मुलायम सिंह इसी इंसानियत के खातिर को आशीर्वाद देता है, अपने घर की शादी में मधु करता है और उसी खून में डूबे हुए हाथों में हाथ अपना रखकर हाथ मिलाता है। मुंबई नगरी के यूसुफ खान, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, शर्मा जाना और कहना कि हमारे से बड़ा एक्टर तो ये है। अरे रो रहे हैं, मुझे मार देंगे। मुझे एक फिल्म का गाना याद आ गया, कौन सा पिक्चर था मुझे याद नहीं, मैं स्कूल में था जब, फिल्मों का शौक था तो वो फिल्में याद नहीं आ रहा कौन सा फिल्म था, मगर ये याद है अमिताभ बच्चन का फिल्म था, अमिताभ बच्चन गाना गाया और वो गाना क्या था, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना सीखो,
जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना।